हेलो फ्रेंड, आप सबका श्रद्धा डिजाइनर चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक ब्लाउज डिजाइन बताऊंगे। यहाँ पर मैंने ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई 12 इंच है। यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई 3 इंच लिया है और लंबाई 11 इंच लिया है। अब हम इसका जो है एक डिजाइन का आकार देंगे। पहले जो है यहाँ पर हम डिजाइन का आकार दे रहे हैं। इसी आकार में हम डिजाइन बनाएंगे। इसको अच्छे से पहले हम चाक से निशान लगा लेंगे और उसके बाद में हम इसको कटिंग कर देंगे। जैसे हमने डिजाइन का मार्किंग किया था उसी हिसाब से हमने कटिंग कर दिया है। देखिए ये कटिंग। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर रख के जो है मैंने पिन से अटैच कर लिया है जो है। और हम अब इस पर एक बार भी मार्जिन के हिसाब से मैं इस पर सिलाई करूँगी। अच्छे से कपड़े को जो है बराबर करते हुए कि कपड़े में जो है थोड़ा इधर उधर भी ना हो, हाथ से बराबर करते हुए यहाँ पे हम देखिए ये स्टिच हो गया है। मैंने गले की सिलाई कर दी है। अब हम इसमें जो है नीचे की सिलाई मैं करूँगी। इसको बराबर सही से कपड़ा करके मैंने पिन पहले ही अटैच कर दी थी। फिर जब देखिए हम इसको नीचे की सिलाई जो करेंगे, क्योंकि हमें इसे अंडरग्राउंड बनाना है, इसको हम नीचे की पहले सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सिलाई कर दी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट करके निकाल देंगे। अब हम इसकी सारी पिन को निकालेंगे। देखिए पहले हम इसमें गले को कट करेंगे। जो गला हमने डिजाइन बनाया तो उसको हम उस हिसाब से कट कर देंगे। अब हम इसे हल्का हल्का कट कर निशान लगाएंगे। इस हिसाब से जो है कट करें, हल्का हल्का कट मारें कि सिलाई ना कटे। और इसमें जितनी सारी पिन लगी हम इसमें पिन को निकाल देंगे। पिन निकालने के बाद हम इसको सीधा करेंगे पलट के। ये पलट के हम सीधा कर रहे हैं। अब हम इस पर एक फिनिशिंग की सिलाई करेंगे। क्योंकि ये फिनिशिंग की सिलाई बहुत ज़रूरी होती है। या तो आप प्रेस करें और या नहीं है आपके पास प्रेस की हमेशा सुविधा नहीं रहती है जो है कि हमेशा लाइट रहे, तो उसके लिए हमें क्या है कि उसके लिए हमें सिलाई ज़रूरी होती है। हर वक्त प्रेस हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं रहती है। बिना लाइट के प्रेस चलेगा नहीं। इसलिए हम एक फिनिशिंग के लिए हम उस पर एक सिलाई करेंगे। बराबर कपड़े को दोनों भाग को पकड़ते हैं, अस्तर और मेन फैब्रिक को, क्योंकि अस्तर का कपड़ा सीधे साइड में ना दिखाई दे। ये यहाँ पे सिलाई हो गई है। अब हम इसको जो है बराबर से चारों से पकड़ के हम इसकी चारों साइड से इसकी हम सिलाई कर रहे हैं। फिनिशिंग वाली सिलाई बहुत ज़रूरी होती है। एक साइड की सिलाई मैंने मारा, इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे सिलाई करेंगे। इधर सिलाई हो गई है। नीचे साइड में भी हम एक सिलाई करेंगे क्योंकि अच्छे से एकदम नीचे से एकदम अच्छे से बैठ जाए।
और ये मेरा जो है ये ब्लाउज है 40 इंच का ब्लाउज है, एक्स्ट्रा कपड़ा मुझको कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको जो है बीच से सेंटर लेंगे फोल्ड करके, देखिए ऐसे फोल्ड कर दिए। अब फोल्ड करके हम इसका सेंटर मार्क में निशान लेंगे। अब इसमें हम एक चौक से निशान लगाएंगे। इसके पहले हम जिस आकार में हमने डिजाइन बनाई उसी आकार में हम पहले लेज को अटैच करेंगे। आप चौक से निशान लगा के भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको डिजाइन में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जिस डिजाइन में गला की कटिंग की थी बनाया था उसी डिजाइन में हम यहाँ पे लेस भी अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर लेस लग गया है। अब हम इसकी सेंटर मार्किंग लेंगे। सेंटर मार्किंग लेने के बाद निशान लगाएंगे। आप पट्टी से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 लेयर पर निशान लगा, आप 2 भी लगा सकते हैं। ये ऐसे और यहाँ से फिर ऐसे राउंड कर दिया जाएगा। जैसे जैसे हमने निशान लगाया उसी तरीके से यहाँ पे लैस भी लगेगी। यहाँ पे हम लैस लगा रहे हैं, छोटा छोटा लैस लगाएंगे जैसे हमने डिजाइन का आकार दिया था उसी हिसाब से हम यहाँ पे लैस लगाएंगे। आप 2 लेयर में भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे नीचे की जो लेयर लगाई है 3 लेयर लगाई है। इसी तरीके से हम 3 लेयर को लगा लेंगे। और सेंटर को देखते हुए नोक जो इसमें नोक बनाना है सेंटर को देखते हुए उसके हिसाब से इसमें नोक बनाना है, क्योंकि सेंटर जो है थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर सेंटर थोड़ा सा इधर उधर तो डिजाइन का जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे 2 लग गया है। अब इसी तरीके से मैं नीचे वाला भी 3 एक और अटैच करूँगी। एक लाइन में और लास्ट लगाऊंगी। आप 2 भी लगा सकते हो, 2 में भी अच्छा लगता है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 लगाया है। देखिए यहाँ पे ये लास्ट लग के तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी लैस लगाएंगे।
यहाँ पे लेस थोड़ा सा कटर सा पड़ा था, तो हम इसको कट करके निकाल देंगे, वहीं से अटैच करेंगे। इस तरीके से अटैच करना है कि मालूम ना पड़े कि यहाँ पर हमने वो किया है, जॉइंट किया है। अब जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह है मैं उसको कट करके निकाल दूंगी। और देखिए ब्लाउज की डिजाइन बनके तैयार हो गई। आप लोगों को ये डिजाइन कैसी लगी? अच्छी लगी हो अगर ये डिजाइन, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाइएगा। और यहाँ पर हम एक स्टोन लगा देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड।